देवों के देव महादेव श्री काशी विश्वनाथ धाम उस समय धन्य उठा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म ध्वज के वाहक बन भोलेनाथ के नव्य दिव्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण कर देश को समर्पित किया और आए हुए साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सोमवार को पीएम मोदी ने सर्वप्रथम काशी कोतवाल काल भैरव की पूजा अर्चना व श्रमिकों पर पुष्प वर्षा की। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश से पहले राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्नान किया। श्री मोदी संभवतः देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काशीपति भोलेनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान कर अन्य नेताओं को एक प्रेरणा और संस्कार की संस्कृति से भारत की प्राचीन परंपरा की सीख देकर लोगों में एक नया जोश एक नई ऊर्जा भर अनुष्ठान में चार चांद लगा दिया। श्री मोदी अभिभूत होकर बहुत ही गौरव से बाबा के धाम की भव्यता को निहारते रहे। मंदिर के प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय हर हर महादेव का जय घोष कर अपने प्रिय सांसद व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवंदन करता दिखा। बता दें कि काशी विश्वनाथ की कृपा से काशी विश्वनाथ परिसर का अकल्पनीय विस्तार हुआ। जिस समय गंगा जल से भरे हुए कलश को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे और परिसर को देखकर भाव विभोर होकर प्रसन्न मुद्रा में विश्वनाथ धाम को निहार रहे थे, उनकी आंखें अपनी रचना शिल्प देखकर आश्चर्यचकित थी। राजा हर्षवर्धन के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद रानी अहिल्याबाई के बाद आज भारत का एक पुनरोद्धारक शिव भक्ति माँ गंगा का लाडले गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी के भागीरथी प्रयास से श्री काशी विश्वनाथ धाम गुलजार हो उठा। भारत का संपूर्ण जनमानस उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहा था। काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्नता के साथ निनाद कर रही थी। प्रत्यक्ष दर्शियों का जीवन भी सफल हो गया। बताते चले कि प्रयागराज में इन कार्यक्रमों का भार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह को सौंपा गया था, जिसे नव्य दिव्य और भव्य बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा प्रयागराज शहर के नखास क्षेत्र से 100 मीटर लंबे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। यह तिरंगा यात्रा दीनदयाल पार्क पर जाकर खत्म हुई। इस अवसर पर बोलते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए घर घर मोदी हर हर महादेव का जो नारा स्थापित किया गया है वह अपने आप में ओजस्वी पूर्ण है। देखें कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने श्री काशी विश्वनाथ धाम व पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा। हमारे स्टेट हेड वरिष्ठ पत्रकार रमेश त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में वहाँ पर आज विशेष रूप से जो जल अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो भव्य और दिव्य काशी के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसको विकसित किया है और साथ ही साथ लोकार्पण हो रहा है जो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, ये एक इतिहास बन रहा है। जो हिंदुओं की आस्था गजनी और बाबर के लोगों ने जो कुचली थी, आज उस सम्मान को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए आज सभी जो समाज के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो खुश हैं और हर मंदिर पे जाकर वो जल अभिषेक कर रहे हैं और मैंने भी अपने ही विधानसभा में इसकी एक रचना की और उसके बीच में मैं भी जा रहा हूँ। मेरे परिवार का मेरा बेटा है वो भी जा रहा है, मेरी धर्मपत्नी जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता पार्षद सभी लोग लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का वहीं पे मंदिर के सामने उनका उद्घोष भी सुनने को मिल रहा है। यही पुकार हर 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 महादेव, हर हर महादेव, क्या है इसका उद्देश्य? क्या है, हर घर में महादेव हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हर घर में जब महादेव रहेंगे तो खुशहाली रहेगी, विकास होएगा। इसीलिए हमने कहा है हिंदुत्व की यही पुकार, हर 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 महादेव, हर घर महादेव। सर शहर पश्चिम में जैसे एक सवाल अभी किया गया कि या बंदूक दिखेगी या महादेव दिखेंगे, तो आपको क्या लगता है सर 2022 में क्या दिखेगा? 2017 के बाद बंदूक बंद हो गई, जितने तमंचे थे अंदर घुस गए और तमंचे चलाने वाले जितने थे उनको जेल में बंद कर दिया और अब समय आ गया है जब लोकार्पण हुआ है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो अब हर घर महादेव दिखेंगे। सर विकास से ज्यादा हिंदुत्व की बात की जा रही है,
नहीं, विकास तो है ही, हिंदुत्व का दूसरा नाम ही विकास है। वो कोई नहीं समझ पाया राहुल गांधी जैसे, जो एक प्रकार से मैं कहूं जो हिंदू और हिंदुत्व को नहीं समझ पाए और वो उसकी व्याख्या करें, तो उनसे ज्यादा मैं नादान क्या बोलूंगा, या वो अपनी तुष्टिकरण की एक और भाषा में आ गए। सर, आज मथुरा में श्रीकृष्ण कॉरिडोर का भी कहा जा रहा है कि जन्मभूमि में भी श्रीकृष्ण कॉरिडोर बनेगा, मस्जिद बनाया जाएगा। बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री 17 दफे जा चुके हैं, तो राम कॉरिडोर बन रहा है, श्री राम जी का अयोध्या में बन रहा है, वैसे ही काशी में जो है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया है, उसका लोकार्पण भी हो गया है, विंध्याचल में हो रहा है देवी का, और इसी प्रकार से मथुरा में भी श्री कृष्ण कॉरिडोर की तैयारी शुरू हो गई।